नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। शुभकामना देना चाहूंगा समीर भाई को। बहुत ही सुंदर मूवी बनाया है इन्होंने, फिल्म बनाई है, भोजपुरी फिल्म है। ऐसे तो मैं फिल्म देखता नहीं, लेकिन ये फिल्म जरूर देखूंगा मैं, और सभी से निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को आप भी देखें। बेहतरीन मूवी है, बड़ी मेहनत की है समीर भाई ने इसमें, और उनकी तमाम टीम को मैं फिर से एक बार शुभकामना देना चाहूंगा। इनकी ये फिल्म खूब धमाल करे, खूब चले, और भोजपुरी से निकल करके ये बॉलीवुड जाएं, समीर भाई उनकी टीम हॉलीवुड जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना। देखिए, मैं तो कभी लाइफ में कलाकारी नहीं किया था, और कभी पर्दे पे काम कभी नहीं किया था, छोटा मोटा पर्दे पे भी काम नहीं किया था, लेकिन पहली बार मैं आया मतलब काम करने। तो जब शुरू में मैं पहली बार आया कैमरे के सामने तो कुछ घबराहट तो हुई मुझे, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगा तो मुझे अच्छा लगा, और मेहनत से हमने काम किया, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारी पूरी इश्कवाली की टीम मिलके हमें सपोर्ट किया, और हमने मेहनत करके फिल्म बनाया है, और अच्छी फिल्म है। दर्शकों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हर किसी का फिल्म देख के प्यार देते उन्हें ढेर सारा, ऐसे समीर खान को भी प्यार दें, पूरी इश्कवाली टीम को प्यार दें। और सबसे पहले मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, और एक जैसी होनी चाहिए एक फिल्म, बिल्कुल वैसी फिल्म है, और हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए देकर काम किए हैं, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहेंगे, हमेशा अच्छा ही काम करेंगे। और अब जब हमारी दर्शक देखेगी और हमें कितना प्यार देती है, वो तो बाद में पता चलेगा। पिक्चर आई है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो चलनी चाहिए, सुपर डुपर हिट होना चाहिए। सबसे पहले कि ये पिक्चर के गीत और संगीत दिहल हमारे हैं, और हमारे भाई में काम कैले बानी, तो हम ये चाहब ना कि रुआ सब ये फिल्म के ना बहुत प्यार दुलार दी, और आज रात तक ना तो सुबह तक ट्रेलर भी आ जाए, और हम चाहब कि जो भी नए नए कलाकार जो भी बैठे और सब इंडस्ट्री में आवे। इस वाले पिक्चर के ट्रेजर और पोस्टर लॉन्च हुआ है इसके वाले की, बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने, और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की है। अब ओपिनियन है कि हमारे दर्शक, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो हमारी फिल्म को देख करके ओपिनियन बताएंगे कि हमारी फिल्म कैसी बनी है, कैसा लगा उन लोगों को। हम लोगों से कोई गलती भी हुई हो तो हमें बताएं, तो हम उसको सुधार करके अगली जो मूवी बनाए हम उससे बेहतर बनाए और अच्छे बनाए। ट्रेलर तो देखिए बहुत बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि बार बार देखें। और ये अमिनाश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, समीर खान भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, इश्क वाले तो जैसा कि टाइटल से ही आप सबको पता चलता है कि इश्क से रिलेटेड मूवी होगी, तो कहते हैं ना कि पहले दिल धड़कता है और फिर इश्क की शुरुआत होती है। तो धड़कन में मेरा दिल धड़का था, और इस फिल्म में मुझे इश्क हो गया है इनसे, तो या तो फिर तब धड़का था और प्यार इनसे होगा मुझे ये विश्वास नहीं था, तो इसीलिए इश्क वाले जो है पूरा प्यार से, मोहब्बत से, और इश्क ही इश्क है इस मूवी में, लेकिन गंदा वाला इश्क नहीं है जो आजकल कलयुग में होता है ना, जो आजकल के टाइम पे वैसा नहीं है, बहुत प्यारा, और कहते हैं ना कि वो एक आत्मा से निभाया हुआ जो प्यार होता है, सोल से, तो उस प्यार को इसमें दिखाया गया है। तो और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा मेरा कैरेक्टर क्या है, ऑब्वियस ही बात है कि इसमें दो हीरोइन हैं वैसे, तो मैं भी हूँ, और हमेशा मैंने हर फिल्म में मेरे लिए दो दीवारें हमेशा लड़े हैं, तो इस फिल्म में भी दो दीवारें लड़ रहे हैं। मेरी किस्मत हमेशा रही है कि हर फिल्म में दो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की फिल्म बनाई गई है, इसे हमारे भाई प्रदीप भैया जी ने बहुत अच्छा बनाया फिल्म, और बहुत अच्छा है कि इसमें हम लोगों को किरदार दिया है, और जीतू शुक्ला जी इसमें बहुत प्यारा रोल किया है,
और समीर भाई जो इसके हीरो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अविनाश राय जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। जो इनका करेक्टर था बहुत अच्छा था और थोड़ा फनी टाइप था। सर ने मुझे बताया कि मैं इस टाइप का कभी कॉन्सेप्ट किया नहीं हूँ, तो मैं बोला सर कोई बात नहीं करेंगे और हो जाएगा। और जब करते गए तो सर से ही पूछ लीजिए कि पता ही नहीं चला कि कब पिक्चर एंड हुआ। और हर एक सीन में इतना एंजॉय करने लगे पूरी टीम के, मतलब हर किसी को देखने को मजा आ गया। बताओ इंप्रूवमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, हर सीन अच्छा हो रहा है, सारे चीज़ एकदम अच्छा हो रहा है। इतनी अच्छी मूवी बनाए हमारे डायरेक्टर साहब, जो कि बहुत सारी कटिंग लेके आए हैं हमारी फिल्म में और बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। अगर दिल से कोई मेहनत किया है तो हमारा भाई ने किया है, और उमेश भाई का हमारे टाइगर जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के टाइगर हैं, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। अविनाश जी बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छा हीरो हैं, और समीर जी हैं, और फाइट तो बहुत लाजवाब है। मिला जुला के सब बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। फिल्म क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।